सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:25 और अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अभी आप लोग कमेंट कर रहे थे यार, बहुत से लोग कि व्लॉग नहीं बना पाए आप, क्योंकि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, इस वजह से नहीं बना पाया था व्लॉग। सो बट आज वापस मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं अभी हूँ रामनगर में। मैं यहाँ कैसे आया, क्यों आया, किस काम आया, ये मैं सब आपको बताऊँगा, लेकिन इसी व्लॉग में बताऊँगा, लेकिन थोड़ी देर में बताऊँगा। सो अभी का सीन बताया था पहले मैं, आज है न्यू ईयर। सो मेरी तरफ से आप और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। सो और अभी घर में तो सभी ने नहा ही लिया है ऑलमोस्ट, अभी मैं ही बचा हूँ बस। मैं अभी छत में आया हुआ था चाय पीने के लिए, तो पहले चाय पीता हूँ फिर चलता हूँ नीचे। सो गाइस, अभी मैं नहा तो लिया है मैंने, और नहा के अभी छत में आया हुआ था यहाँ पे धूप सेकने के लिए। अभी मैं नहाया ना जस्ट, तो बाल सुखा रहा था अपने। और अभी का सीन बताया तो पहले, अभी जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए हनुमान धाम, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ रामनगर में, तो अभी जाते हैं वहाँ। तो गाइस यार, अभी निकल चुके हैं घर से और अभी चल रहे हैं पैदल पैदल। अभी ऑटो ऑटो ढूंढते पहले यहाँ से आगे से, फिर उसके बाद चलते हैं। गाइस यार, फाइनली पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ भीड़ देखो यार, एक बार बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, देखो नीचे एकदम। ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा अभी। फाइनली जाने वाले हैं अब इसके अंदर, देख लो कितना बड़ा है एकदम से, रामनगर का सबसे बड़ा मंदिर है। गाइस यार, फाइनली वापस तो आ चुके हैं वहाँ से, और जैसे कि आपने देखा वहाँ भीड़ कितनी हो रखी थी, क्योंकि आज न्यू ईयर है ना, तो इस वजह से सारे लोग वहीं आए हुए थे। और हमारा प्लान था एक बार गर्जिया जाने का, बट गर्जिया इससे ज़्यादा भीड़ होती तो इसलिए हम वहाँ गए, बट वहाँ भी वैसे था, वैसे हाल था, वहाँ भी उतनी भीड़ थी। तो यार गाइस, अभी तो मैं थक चुका हूँ, अभी मैं सीधा खाना खा के जाने वाला हूँ सोने के लिए। बट कल मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैं यहाँ आया हूँ, किस काम आया हूँ, वो सब मैं आपको अभी कल बताने वाला हूँ। गाइस सर, एक और चीज़ जो कि आप लोग पूछोगे मुझसे कि आपने अंदर का व्यू क्यों नहीं दिखाया करके मंदिर के, बट क्योंकि मंदिर के अंदर का व्यू, वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, मोबाइल कैमरे वैमरे कोई कुछ अलाउड नहीं था वहाँ। फ़ोटोज़ खींचना मोबाइल अलाउड था, लेकिन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं था वहाँ, तो इस वजह से नहीं बना पाया। सो गाइस, अभी बज चुके हैं अब सुबह के 8:30, और अब जाके मैं आज उठा हुआ, आज तो जल्दी उठ गया था क्योंकि कल रात जल्दी एडिटिंग कर दी थी ना, तो आधी वीडियो तो ऐड कर दी है मैंने, और आधी जो आप क्लिप ये है उसको डालनी बाकी है अब बस। अभी देखो थोड़ा सा बहुत जीब लड़खड़ा रही है क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ भी, मैंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। सो चलो अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया, किस काम आया, कैसा आया, जो भी आपके पूछे आपने क्वेश्चन सारे, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला ये यार कि मैं यहाँ कब आया, तो देखो मेरी छुट्टियां थी 1 जनवरी से, न्यू ईयर से सबकी छुट्टियां होती है विंटर हॉलीडेज, बट मैं 29 तारीख से नहीं गया था, 29 दिसंबर 2021 से मैं स्कूल नहीं गया, उस दिन से मैं अपनी पैकिंग करने पर लगा। तो 30 दिसंबर को मैं यहाँ वहाँ से पहाड़ से यहाँ आ गया था दी के वहाँ अपने। अब सेकेंड थिंग ये है कि मैं यहाँ क्यों आया, तो देखो जो मेरी दी है उनका अभी न्यू बेबी हुआ है, तो मेरे घर वालों ने सजेस्ट किया है मुझे कि क्यों ना आप वहाँ चल जाओ, क्योंकि अभी विंटर हॉलीडेज़ भी है ही, क्योंकि अभी विंटर हॉलीडेज़ हैं ही, आप क्या कहते घूम भी लोगे वहाँ थोड़े दिन, और वहाँ उनको भी हेल्प हो जाएगी। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं इतने दिन से गायब कहाँ था, सबको मतलब सबका यही क्वेश्चन है भाई कि गायब कहाँ है, व्लॉग डालो। तो देखो अब यार, पहला जो मैंने बताया था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से मैं नहीं
एक्टिव ऐप आया था, और दूसरा है कि मेरी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, कि जब से मैं अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ना अपने दोस्तों को, ना अपने फैमिली मेम्बर्स को, ना और किसी को भी नहीं, ना मैं स्टडी कर पा रहा हूँ। मतलब जब से व्लॉगिंग कर रखी है तब से मैं कुछ भी नहीं, मतलब आप मान लो मेरे को आज यहाँ 3-4 दिन हो गए और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी किताब ही नहीं खोली है आज। तो ऐसे मेरे और पेपर होने वाले हैं, मतलब एग्ज़ाम वापस होने वाले हैं, अभी जो अभी तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे और ये वापस से एनुअली एग्ज़ाम होने वाले हैं, और मैं यहाँ 3-4 दिन हो गए मेरे को आए हुए, और एक दिन भी मैंने किताब नहीं खोली है, जो मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ था, मैं किसी को टाइम दे पा रहा हूँ, ना फैमिली वालों को, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, और ना ही अपने दोस्तों को टाइम दे पा रहा हूँ, और कभी और मेरे को हर दिन ट्रैवल करना पड़ता है, नया नया कंटेंट बनाना पड़ता है, तो इस वजह से भी यार, तब मैं 3 हफ्तों से गायब था, बट हाँ शायद सब कोशिश करूँगा यार कि डेली व्लॉग्स डालूँ। तो चलो यार, और हाँ यार देख लो यार धूप, और यार देखो माइंड मत करना यार गाइस यार, बट डेली व्लॉग्स का मेरा मतलब है कि वही एक दो दिन छोड़ के फिर एक दिन ब्लॉग या एक दो दिन करके ऐसे करके ब्लॉग डालूंगा अब। और चलो फिर गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता यार सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। वापस से एग्ज़ाम होने वाले हैं यार, अभी ये तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे और अभी वापस से एग्ज़ाम होने वाले हैं एनुअली। यार मैं तो ये सोचता हूँ कोरोना वापस आ जाए भाई यार।